जैसा कि आप सबको पता है, सर्दियों का मौसम आ चुका है और सर्दियों के मौसम में हम मज़ेदार सा बनाएंगे अचार, जो कि आप पराठे के साथ खा सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक ही मसाले से कैसे हम दो तरह का अचार बहुत ही जल्दी रेडी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने ली है 2 चम्मच के करीब सौंफ और 1 चम्मच के करीब मेथी दाना, और ये है सरसों 3 चम्मच के करीब। सरसों के दाने हैं ये, मस्टर्ड सीड्स। इनको हम क्या करेंगे, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने रोस्ट करके निकाल लिया है। अब मैं मेथी को हल्का सा रोस्ट कर लूंगी। मेथी हल्की रोस्ट हो जाएगी। अब मैंने सौंफ डाल दिया इसमें और सौंफ को भी हल्का रोस्ट कर लेंगे। और ये देखिए मिर्चियां मैंने धो के बहुत अच्छे से पोंछ ली थी और इनको बीच से कट कर दिया है। ऐसे करके हमें सारी मिर्चियों को कट कर लेना है। और ये 1 चम्मच हल्दी और नमक और ये 1 चम्मच आमचूर पाउडर। आइए ये मसाले हमारे ठंडे हो गए तो इनको हम हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मैंने ग्राइंड करके निकाल लिया है इनको, और बहुत इनको महीन नहीं करना है, हल्का सा दरदरा रखना है। और ये कांच का जार ले लिया है मैंने, इसमें डाल दिया है मैंने 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल। मसाले सरसों में हमने सारे मसाले मिला दिए जो लिए थे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों तेल, करीब 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल के हम मसाले को सौंप लेंगे अच्छे से। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। अब क्या करेंगे, हम मिर्ची में मसाले को भर देंगे। बहुत अच्छी तरह से हमको मसाले भर देने हैं मिर्ची में। और ध्यान रखिए, मिर्ची आप कट करें तो मिर्ची दोनों साइड से कट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक ही साइड से आप कट करें। और ऐसे करके हम सारी मिर्चियों को भर देंगे। ऐसे करके सारी मिर्चियों में मसाले को फिल कर दिया है हमने। अब क्या करेंगे, इन मिर्चियों में हम डाल देंगे 1 नींबू का रस। ये देखिए हमारा मिर्ची का अचार रेडी है। आप इसे रख दीजिए, 1 दिन रख दीजिए धूप में और फिर खाइए। और ये देखिए अब मैं मिक्स अचार बनाने जा रही हूँ। मैंने कुछ सामान ले लिया है, गोभी है, मूली है, गाजर है और हरी मिर्च। गोभी को मूली को हमने काट लिया है और इसको हल्का सा हमने स्टीम कर दिया था 5 मिनट के लिए, और थोड़ी देर के लिए हम इसे करीब 15 मिनट के लिए इसे धूप में रख देंगे ताकि इसका पानी निकल जाए सारा और हमारा अचार ख़राब ना हो। देखिए गाजर गोभी मूली को हमने ऐसे काट लिया है। स्लाइसेस आप किसी भी तरह के काट सकते हैं, मैंने थोड़ा सा लंबे में काटा हुआ है। अब जो मसाला हमने रेडी किया था वो मसाला डाल देंगे हम इसमें। एक चम्मच हल्दी पाउडर, और इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच मिर्च पाउडर। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। करीब मैं 1 किलो का अचार बना रही हूँ, सारा सामान मिक्स करके 1 केजी है। नमक आप उसी हिसाब से डालिए जितना आप अचार बना रहे हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अजवाइन 1/2 चम्मच, 1 चम्मच सौंफ, और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा सरसों तेल, मस्टर्ड ऑयल। करीब मैं 2-2.5 चम्मच के, 2 से 2.5 चम्मच के करीब डाला है मैंने इसमें, और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमने अचार को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, कांच के जार में डाल देंगे। कोशिश कीजिए कि आप भी कांच का ही जार लीजिए। सारा हम अचार इसमें भर देंगे। और ये देखिए हमारा अचार रेडी है। तो कैसे हमने 10 मिनट के अंदर फटाफट 2 अचार बना के रेडी कर लिया है। और मिक्स अचार में हम ऊपर से डाल देंगे 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल, और इसे बंद करके बहुत अच्छे से मिक्स करके 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए रख दीजिए। आप फिर आराम से खा सकते हैं। बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी।